शासकीय प्राथमिक पाठशाला सरायहा उड़ासी टोला। यह विद्यालय कक्षा 1 से 5 तक की विद्यालय है और यह विद्यालय में परिमिला कुशवाहा कक्षा 5 की छात्रा है। परिमिला कुशवाहा जैसे 35 छात्र छात्रा यह विद्यालय में अध्ययन कर रहे हैं और यह विद्यालय में बाल बाउंड्री नहीं अभी तक बना है और यह विद्यालय जंगल के किनारे से लगी है। जंगली जानवर अचानक एक न एक दिन यहाँ मुठभेड़ में फंस जाते, बच्चे कैसे परेशानी से बच्चे यहाँ के पढ़ रहे हैं। हमारे विद्यालय में बाउंड्री वॉल सबसे जरूरी है। क्यों? क्योंकि यहाँ जंगल से सटा हुआ है विद्यालय, जिन जानवर से हमारे बच्चे हम लोग परेशान रहते हैं। कैसे परेशान रहते हैं आप जानकारी दीजिए। हाफ टाइम के किस समय कभी कभार जंगल से जानवर सुअर भाल बंदर उतरते हैं और पानी पीने आते हैं, तो हमारे बच्चों से बार करने की डर लगता है, लगता है कि वो खा जाए। तो सर आप ये बताइए, बाल बाउंड्री बनने के लिए उद्देश्य में आप कहीं आवेदन लगाया, शिकायत किया क्या आपने? हाँ, मैंने बहुत बार लगाया अपने जन शिक्षक से। मेरे पास जो आता है डाटा हर वर्ष, उसमें भरकर मैं बाल बाउंड्री के बारे में दे रहा हूँ, पर आज तक बाउंड्री वाल नहीं बन पाए। बेटा आपके विद्यालय में अभी बाल बाउंड्री नहीं बना है, इससे आपको क्या परेशानी होता है बताओ? बताओ बेटा। जानवर रहते। अच्छा, तो इससे क्या होता है आपको? डर लगता है। अच्छा, तो आपका उद्देश्य क्या है? बाल बाउंड्री बने। मेरे बच्चे जो है तो खुले में रहते हैं, जंगल के किनारा है। यदि मान लीजिए भालू बांदर खूब रहते हैं, हो सकता है कहीं बच्चे छोटे छोटे हैं बाहर भी चले गए, चोट चपेट हो जाए, रोड भी है, रोड के बाजू में है, कहीं गाड़ी घोड़ा में टकरा जाए। तो हमारा उद्देश्य ये है कि मेरे विद्यालय का ग्राउंड जितना जल्द से जल्द हो सके बाउंड्री तो हो जाए तो बहुत अच्छा। मैं वीडियो देखने वाले श्रोताओं से मैं अपील करता हूं कि बीआरसीसी के अधिकारी अरविंद गहरवार जी को फ़ोन करके दबाव बनाए, इनके द्वारा बदलाव हो सकता है। इनका मोबाइल नंबर है 99-77-26-82-10 पर फ़ोन कर दबाव बनाए और इनके द्वारा बदलाव आ सकता है। मैं कैलाश सिंह मरावी, ग्राम ठोंगा, पोस्ट मझौली, थाना तहसील मझौली, जिला सिद्धि, मध्य प्रदेश, इंडिया अनहर्ड के लिए।